द चैनल द CMA अकेडमी और आज हम फाइनेंशियल अकाउंट के ब्रांच चैप्टर ब्रांच अकाउंट करने वाले हैं, पार्ट बी, जो हमारा फाइनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और 1 हो चुका था फर्स्ट पार्ट में और आज हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट का। क्यों वाई लिमिटेड विथ इट्स हेड ऑफिस, वाई लिमिटेड का एक हेड ऑफिस है इन दिल्ली, इनवॉइस्ड गुड्स टू ब्रांच एट पटना, उसका पटना एक जो ब्रांच है, एट 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस व्हेन इट इज कॉस्ट प्लस 50% विद द इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल वर टू बी मेड एट इनवॉइस प्राइस एंड क्रेडिट सेल एट कैटलॉग प्राइस लेस डिस्काउंट एट 15% ऑन प्रमोट पेमेंट। अब इसमें जो कैटलॉग प्राइस है उसे कहते हैं इनवॉइस प्राइस, एंड जितने कैटलॉग प्राइस का मतलब ये जितने उन्होंने गुड्स अपने ब्रांच को भेजा है वो, और इनवॉइस प्राइस वो होता है जितने पे ब्रांच ने उसको बेचा, सेल किया, उसे कहते हैं इनवॉइस प्राइस। और कैटलॉग प्राइस वो है जितने पे जो हेड ऑफिस है उतने ब्रांच को अपने गुड्स को जो वहाँ पे भेजा है उसे कैटलॉग प्राइस कहते हैं। अब अगर हमारा कैटलॉग प्राइस अगर 100 है और उसमें से 20% लेस देन है, तो 20% माइनस कर दिया, 20 रुपीज़ माइनस कर दिया और हमारा 80% हो गया, ऐसा समथिंग। नहीं, इसको अभी समझो मत ये कहाँ लिखा है, ठीक है, ये गलत है। तो समझ गए क्वेश्चन, तो क्या पूछ रहा है कि ब्रांच जो भेजा है पटना को, जो ब्रांच हमारा पटना है वो 20% लेस देन कैटलॉग प्राइस है एंड कॉस्ट प्लस 50% है, ठीक है, एंड डिस्काउंट करता है 15% ऑन प्रमोट पेमेंट पे। द फॉलो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 इन हेड ऑफिस बुक सो एज टू शो द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ब्रांच फॉर द ईयर। तो ये कुछ पर्टिकुलर में दिए गए हैं, इसे हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले ये पढ़ते हैं। इट वॉज फर्दर रिपोर्टेड दैट अ पार्ट ऑफ स्टॉक एट अ ब्रांच वॉज लॉस्ट बाई फायर नॉट कवर्ड बाई इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर हुज वैल्यू इज टू बी असर्टेन एंड प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड टू द डायरेक्टर सॉरी टू डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2013 ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ट्रेंड ऑफ प्रमोट पेमेंट। अब क्या गिवन है इसमें, स्टॉक गिवन है इनवॉइस प्राइस पे, डेटर गिवन है इनवॉइस प्राइस पे, कैश गुड्स रिसीव गिवन है 1/32 कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों तरह के सेल हुए हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, एक्सपेंसेस रेमिटेंस टू हेड ऑफिस डेटर और कैश इन हैंड एंड स्टॉक, ये सब गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को इतना दिखाई दे रहा है यहाँ से, हाँ दिख रहा है। तो ये हमारा फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर हो रखा है, तो हमें फॉर्मेट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्वेश्चन करना क्या है, जरा कैसे करना ये देखते हैं। तो करना कैसे, तो हमें पता है, तो सबसे पहले स्टॉक गिवन है, स्टॉक गिवन इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है, कितना है 12,000, तो इसे हम लाते हैं कॉस्ट में। तो उससे पहले निकाल लेते हैं कि जो ये जो दिया गया कैटलॉग प्राइस और इनवॉइस प्राइस जो 50% है वो निकालते हैं। तो मान लो हमारा कॉस्ट, वर्किंग नोट में लिख देता हूं यहां पे, मान लो हमारा कॉस्ट जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 100 रुपीज़ है, और जो हमारा कैटलॉग प्राइस है वो कितना है, कैटलॉग प्राइस वो बोल रहा है कि 50% है, कितना है 50% है। तो कैटलॉग प्राइस अगर ये 100 कॉस्ट में जुड़ गया एंड प्लस 50% है, तो ये आ गया हमारा इस 100 का 50% 50 होता है, तो 50% आ गया, तो ये आ गया 150। देन इनवॉइस प्राइस जो है वो हमारा इनवॉइस प्राइस हो जाएगा हमारा 150। अब 150 का 20% लेस देन करना है, तो 150 का 20% निकाल लो कितना आता है, 150 × 20% ये आएगा 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ आएगा, तो 150 में से 30 माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारा 120 रुपीज़, तो ये इतना आएगा, इतने का गुड्स भेजा गया और इतने में बेचा गया है,
ठीक है, इस हिसाब से करना है। तो पहला लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 12,000, ये इनवॉइस प्राइस पे है और हमें लाना कॉस्ट पे। तो 12,000 है, तो 12,000 इंटू कितने से डिवाइड, कितने का है ये, 150 रुपये का है, और कितने रुपए का बेचा गया, 120 रुपये में, 120 रुपये में है और 150 का था, तो इसे निकाल दो, मल्टीप्लाई करके निकालो। तो 12,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 150 कितना आ रहा है, 96। नहीं, गलत कर दिया, यहाँ पे आएगा ये 120 रुपये का इसका इनवॉइस प्राइस था और हमें कॉस्ट पे निकालना है ना, तो ये आ गया, ऐसे करना है, माफ़ कीजिए, 12,000 120 इंटू 100 तो 10,000 आएगा, कॉस्ट पे निकालना, तो कॉस्ट तो हमारा 100 था, कॉस्ट हमारा 100 है और इनवॉइस प्राइस हमारा 120 है, तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, डेटर इसमें आता नहीं है, उसके बाद आता है गुड्स सेंट, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितने का गुड्स सेंड किया हमने, एक बता दे, कोई गुड्स रिटर्न भी तो आया है, नहीं आया कोई गुड्स रिटर्न, तो ये कितना है, 1,32,000, इसको भी कॉस्ट पे करो, 1,32 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, हमें कॉस्ट पे निकालना है, तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई इनवाइस प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा, 1,32 100 और 120, 1,10,000 यहाँ आ गया, 1,10,000, ठीक है। अब यहाँ और क्या गिवन है, जो हमारे काम का सेल बाय सेल कितना है, कैश में, कैश में है 46,000 एंड क्रेडिट, क्रेडिट में कितना है, 1,00,000, 1,00,000 रुपये, एंड कुछ और भी कुछ गिवन है, नहीं, तो ये आ गया 1,46,000, 1,46,000। और अब क्या करना है, स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसमें कितना दे रखा है, 15,000, तो 15,000 को पहले क्लोज इनवॉइस उसमें गिवन है, इनवॉइस प्राइस में, तो हमें इसको कॉस्ट में निकालना होगा, तो 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, 12,500। अब डिफरेंस निकाल दो, इसका डिफरेंस क्या आता है, इसका जोड़ेंगे तो 1,46,000 प्लस कर देंगे इसमें, तो इसका आएगा 1,58,500, इतना आ रहा है, नहीं इतना नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमारा देखो यहाँ पे स्टॉक बाई फायर हुआ था ना, यहाँ पे देखो लॉस बाई फायर लिखा है, गुड्स ब्रांच में आग लगने की वजह से हमारा स्टॉक जल गया था, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, चलो एक ब्रेकिंग नोट करते हैं, यहाँ पे करते हैं एक ब्रेकिंग नोट, हमें सारा जो इनवॉइस प्राइस पे सब गिवन है ना, तो उसी को हम लिखेंगे इनवॉइस प्राइस पे ही। तो पहले गिवन है ओपनिंग स्टॉक 12,000, तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है 12,000, देन उसके बाद क्या गिवन है, गुड्स सेंड किया हमने, गुड्स सेंट 1,32,000, तो ये कितना हो गया, 12,000 1,32, 1,44,000 इतना भेजा। उसके बाद क्या हुआ इसमें, इसमें से माइनस कर दो जितना कैश सेल हुआ है, कैश सेल कितना, कैश सेल हुआ है 46,000 का, चलिए जगह कैसे माइनस कर दो, और क्या माइनस करते हैं, जो हमने गुड्स सोल्ड किया है इनवॉइस में, इनवॉइस प्राइस में, उसको माइनस करो, कैसे, जो क्रेडिट सेल हुआ है, क्रेडिट सेल
कितना हुआ है 1 लाख का। अब जो कैटलॉग प्राइस था वो था 150 और इनवॉइस प्राइस 120, तो इसका निकालो कितना आता है, वो माइनस होगा यहाँ पे। कितना आ रहा है 79,999, तो 80,000 ये माइनस होगा, और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस होगा। जब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आईपी लिखा गया है तो ये भी आईपी पे लिखा जाएगा। अब जो बचेगा वो हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है, तो 144 माइनस 46,000 माइनस 80,000 और माइनस 15,000, तो 3,000 हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है वो आएगा। अब हम ये सब माइनस क्यों किए हैं, ये निकालने के लिए माइनस किए हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था ब्रांच में वो निकाला लिखा, साथ ही साथ जो गुड्स आया था हेड ऑफिस से वो लिखा, और इसका टोटल होता है 1,44,000। अब हमें ये निकालना है कि हमारे पास गुड्स कितना, जितना जितने गुड्स हमारे लॉस्ट हुआ है आग से जो लगा है ब्रांच में, कितना लॉस्ट हुआ वो देखना है। तो इतना आया 3,000 रुपये। और हमने ये सब क्यों किया ये बताता हूँ, ये जो चीज़ की है ये क्यों किया है, क्योंकि हम निकालेंगे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे ब्रांच में, साथ ही साथ कितना गुड्स आया था हेड ऑफिस से वो लिखेंगे, तो 1,44,000 आ गया। अब 1,44 1,44,000 का हमारे पास गुड्स था, ठीक है, जिसमें से कुछ पार्ट जल गए। अब हमने कितना सेल किया, तो हमने सेल किया कैश सेल 46,000 का, उस वक्त उधार भी बेचा है, तो कितना उधार बेचा इनवॉइस प्राइस पे, वो 80,000 का इनवॉइस प्राइस निकाला हमने, ठीक है। हम ये तो इनवॉइस प्राइस होता है ना, ये इनवॉइस प्राइस का अमाउंट है, ये कैटलॉग प्राइस है जो हेड ऑफिस ने भेजा था, और ये इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो इनवॉइस प्राइस पे हमने इसे निकाल दिया, ये जो अमाउंट आया है ये आया है हमारा इनवॉइस प्राइस पे आया है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ सब इनवॉइस प्राइस पे लिख रहे हैं, तो इसे भी हम इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे। तो इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई किया और कैटलॉग प्राइस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा 3,000 का लॉस आया है, तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे ये 3,000 रुपये ऐड होगा, ठीक है। मैं भूल गया था, तो डिस्ट्रॉय स्टॉक कितना 3,000। अब ऐड करो 1,46,000, 12,500, 3,000, तो इसका आगे 161,500, कितना आएगा 161,500, और अब इसे डिवाइड कर जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 161 में से 10,000 माइनस किया, और 161 में 1,10,000 माइनस किया, कितना आ गया 41,500। तो 41,500 हमारा गया बैलेंसिंग फिगर, ये 161,500 आ गया। तो ये हो गया हमारा, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख दो, तो बाय जीपी 41,500। अब एक्सपेंसेस जो थे वो सब माइनस कर दो, तो ब्रांच ने एक्सपेंसेस किए 6,000 रुपये का, तो टू एक्सपेंसेस 6,000, और क्या किया इसने, डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड किया है, टू डिस्काउंट 13,365, और क्या किया है, और जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था वो जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था वो लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक डिस्ट्रॉय 3,000, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा इसका, चलो बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कैसे बनाना, प्रोविजन प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउडेड टू डेटर एज ऑन 31 मार्च 2013,
ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड प्रोमोट पेमेंट। तो यहाँ पे बनाना कैसे है, सॉरी यहाँ पे बनाना कैसे है ये देख लेते हैं। तो हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेटर्स, ठीक है यही बनाना है। तो प्रमोट पेमेंट का परसेंटेज था, प्रमोट पेमेंट का परसेंटेज कितना था डिस्काउंट का, 15%, 15% था, ठीक है। अब अगर हमारा डिस्काउंट डायरेक्टर डिस्काउंट है डायरेक्टर्स का 13,365 रुपये, ठीक है, तो कितना आएगा 100 डिवाइड बाई इसका कितना था कैटलॉग प्राइस, तो ये आएगा हमारा कहाँ गया कैलकुलेटर 13,365 × 100 डिवाइड बाई 150, ये आता है 8,910। कितना आता है 8,910, ठीक है 8,910, यहाँ पे 8,910 आ गया, ठीक। उसके बाद बोलता है कि इसमें जो 50 हैं 50% जो डायरेक्टर हैं वो हमारा होता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आता है 8,910 × 50%, तो 8,910 का 50%, सॉरी 50 से बोल रहा हूँ 15%, 15% 8,910 का 15% आता है 1,336.5 है तो 7, तो 8,910 का 15% हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनेगा। तो अभी वो यहाँ लिख दो, इसको यहाँ पे लिख दो 1,337। अब जो डिफरेंस आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। तो 41,500 माइनस 13,365 माइनस 6,000 माइनस 3,000 माइनस 1,337 ये आ रहा 17,798। तो टू नेट प्रॉफिट 17,798 बैलेंसिंग फिगर 41,500। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 3 है। कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा वहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक्स लिमिटेड हैज़ अ रिटेलर ब्रांच एट पुरी, गुड्स आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर हमारा कॉस्ट 100 है तो प्लस 60 हमारा लोडेड हो गया, तो 60 जो हुआ तो 160 जो होगा हमारा वो इनवॉइस प्राइस हो गया। द होल सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%, गुड्स आर इन्वॉइस्ड फ्रॉम दिल्ली हेड ऑफिस टू ब्रांच एट पुरी एट होल सेल प्राइस। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द प्रॉफिट मेड टू हेड ऑफिस टू एट मेड एट हेड ऑफिस एंड ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अभी जो होल सेल प्राइस क्या होता है वो यहाँ जाता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है होल सेल एंड रिटेलर प्रॉफिट एट अ ब्रांच। क्या है कि अब ब्रांच में भी ऑपरेटेड बोथ अंडर रिटेल प्रॉफिट बेसिस एज वेल एज अंडर होल सेल प्रॉफिट बेसिस। अब जो ब्रांच है वो दो जगह से इसे ऑपरेट कर सकता है, पहला वो रिटेल प्रॉफिट बेसिस और साथ ही साथ होल सेल प्रॉफिट बेसिस। एक रिटेल प्रॉफिट जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनकी तरह, जो जैसे हमारे यहाँ पे गलियों में शॉपकीपर होते हैं उनकी तरह से वो ऑपरेट कर सकता है, और साथ ही साथ होल सेल में वो ऑपरेट कर सकता है जहाँ पे बल्क फॉर्म में गुड्स जाते आते रहते हैं वो वाले सेल, उस तरह के भी वो ऑपरेट कर सकता है एक ब्रांच। फॉर इंस्टेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 100, मान लो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपीज़ है एंड द रिटेल प्राइस इज 160। अब रिटेल प्राइस 160 हो गई तो एंड द होल सेल प्राइस 150। नाउ अंडर रिटेल प्रॉफिट बेसिस
देयर विल बी अ प्रॉफिट 60, दैट मीन 160 माइनस 100, तो यहाँ पे 60 रुपये का प्रॉफिट है रिटेल प्राइस में एंड अर्न बाय द ब्रांच. बट इफ इट इज़ सोल्ड अंडर होल सेल बेसिस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी 50. यूजली इट इज़ द यूजफुल प्रैक्टिस टू डेबिट ब्रांच विद होल सेल प्रॉफिट बेसिस टू नो द यूजल प्रॉफिट मेड बाय अ ब्रांच. फॉर दिस पर्पज हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्रिएटेड विद गुड्स सेंड टू ब्रांच एट अ होल सेल प्राइस. एट द सेम टाइम क्लोजिंग स्टॉक एट अ ब्रांच शुड बी वैल्यूड एज अ होल सेल प्राइस बेसिस. फॉर दिस हेड ऑफिस शुड बी मेक प्रॉपर रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक एट अ ब्रांच. द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व. अब जो यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में होल सेल प्राइस जो होगा माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस से. तो समझ में आ गया अब क्या बोला गया है कि जो ये सोल्ड किया है 60% प्रॉफिट पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिटेलर प्राइस है. और ये होलसेल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस 40%, ये हमारा होलसेल प्राइस है 40%. ठीक है, तो ये गुड्स भेजा गया है 7 लाख का परचेज़ किया है. गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस्ड है, सेल है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है और एक्सपेंसेस है. फिर क्या गिवन है नीचे, सेल एट हेड ऑफिस आर मेड ओनली ऑन होल सेल बेसिस एंड that at branch only to customers. Stock at head office is valued at invoice price. जो stock at head office है वो invoice price पे होगी. तो चलिए फटाफट इस question को करते हैं. पहले उससे पहले हम format का preparation करेंगे. तो पहले हम format बनाएंगे. तो format हमारा बन गया है. तो चलो फटाफट अब question solve करते हैं. तो पहला बोला ओपनिंग स्टॉक है 7 लाख रुपए का हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग. तो टू ओपनिंग स्टॉक 7 लाख, 7 लाख रुपए हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग बन गया. फिर हमारा परचेज है, ओ माय गॉड इट बिग मिस्टेक, यहाँ पे कॉलम छोड़ रखा है बट फिर भी नहीं बनाया मैंने. एक यहाँ पे हेड ऑफिस का बनेगा और एक यहाँ पे ब्रांच का बनेगा, दो अकाउंट बनेंगे. एक यहाँ पे ये ब्रांच का बनेगा तो यहाँ मैंने बी लिख दिया और यहाँ पे ये हेड ऑफिस का बनेगा, बी और एच. ठीक है, सॉरी. और ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा 7 लाख. ठीक है, अब माफ़ करना. फिर अगर परचेज किया हेड ऑफिस ने 42 लाख का, हाँ इतने का ही है. तो टू परचेज 42 लाख. उसके बाद गुड्स सेंड किया है ब्रांच को, टू गुड्स सेंड कितने का किया है, 15,12,000 का. तो 15,12,000 को भेज दिया हमने इसको. उसके बाद ब्रांच ने गुड्स रिसीव किया, ब्रांच को भेजा है तो ब्रांच रिसीव करेगा ना. तो यहाँ पे लिखो बाय गुड्स रिसीव, गुड्स सेंट. तो यहाँ पे हेड ऑफिस में आएगा 15,12,000. ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल. तो बाय सेल कितना है, सेल 42,84,000. तो 42,84,000 एंड 14,40,000. तो ये आ गया. ठीक है, तो ये आ गए. उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 16,80,000. तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,80,000 और यहाँ पे कितना है, 2,52,000. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो हमारा बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. तो चलो डिफरेंस निकालें, तो इसको जोड़ो, 14,40,000 प्लस 2,52,000, तो ये आ गया 16,52,000, 92,000, 92,000, 16,92,000 देन इसको जोड़ लो तो 15,12,000 प्लस 42,84,000 16,80,000,
यह आ गया 74,76,000, 74,76,000। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से इधर ही प्रॉफिट आना चाहिए। तो 2 GP बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया, माइनस करो 7 लाख, 42 लाख, तो यह आएगा 25,76,000 इसका, और 16,92,000 माइनस 15,12,000, 18 लाख आ गया ये। तो यहाँ पे 74,76,000, 16,92,000 ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बन गया अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। में क्या है, सिर्फ एक्सपेंसेस गिवन है एंड एक्सपेंसेस गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ रिजर्व में डालनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी थ्योरी पढ़ी थी, यहाँ पे बोला है इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रिजर्व है ना, तो रिजर्व में जाएगा स्टॉक, जो स्टॉक है रिजर्व में भी आएगा। तो टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने हैं, 80,000 एंड 40,000, 80,000 एंड 40,000, 80,000 एंड 40,000। अब रिजर्व बनाना है क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या रहना है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व ऑन ब्रांच अकाउंट। पहले ब्रांच अकाउंट का बनाते हैं, फिर इसके ऊपर हेड ऑफिस का बनाएंगे। ऑन ब्रांच स्टॉक कितना है, ब्रांच स्टॉक 2,92,000, 252,000। अब कितने का बनेगा ये, इसके लिए हम पहले थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट में क्या आएगा, मान लो कॉस्ट प्राइस हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ है, एंड होल सेल हमारा 100 प्लस 40, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 40 प्लस है, सॉरी प्लस 40% है। और अगर हमारा होल सेल प्राइस 100 प्लस 40 है, कितना हो गया 140। ठीक है, और अगर हमारा गुड सोल्ड किया है 60% पर प्रॉफिट में, और जो हमारा इनवॉइस प्राइस होगा, तो इनवॉइस प्राइस भी हमारा यही है, इनवॉइस प्राइस भी हमारा 140 है। सेल कितना किया है, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, अगर हमारा कॉस्ट 100 है और 60% पे हमने गुड सोल्ड किया है, तो 60% प्रॉफिट पे, तो प्लस 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है गुड सोल्ड 60% प्रॉफिट, तो अगर हमारा कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट हो जाएगा 60 रुपीज़, और टोटल जाएगा सेलिंग प्राइस 160। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो होल सेल पर ही हमने यहाँ पे बोला कि सारा गुड्स जो होल सेल पर ही जाएगा। ठीक है, तो होल सेल पर है, तो होल सेल कितना है 140, और 140 का है तो निकालो 252, 40/140 72,000, तो 72,000 फर्स्ट वाले का जो ब्रांच से है। अब आता है हेड ऑफिस, हेड ऑफिस कितना है 16,80,000, तो 16,80,000 का भी यही करना है, 40/140, तो 16,80,000, 40/140, 4,80,000, तो 4,80,000। अब जो बचेगा वो हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, और क्या या क्या आएगा उसके बाद। अब जो जी पी आई है वो यहाँ लिख लो, ग्रॉस प्रॉफिट बाय जी पी, 74,76 एंड 18 लाख। और क्या दिया गया इसमें, अब हमें ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व डालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने क्लोजिंग स्टॉक डाला था ओपनिंग स्टॉक इधर आएगा, तो टू सॉरी बाय बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना है 7 लाख का है ना, तो 7 लाख इंटू 40, 140,
140 2 लाख। आप टोटल करो, यहाँ तो 18 ही आएगा, यहाँ पे भी 18 ही आएगा, यहाँ पे जोड़ लो तो 74,76,000 प्लस 2 लाख, तो 76,76,00,000, 76,76 आएगा, तो 76,76 माइनस कर दो इसमें से 80,000, 72,000, 4,80,000, तो 70,44,000 इसमें आएगा। ऑफ कोर्स सॉरी, यहाँ पे ही आएगा 25, गलत कर दिया, वैसे कह रहा हूँ गलत क्यों आ रहा है, 25,76 आएगा, तो 25,76 में जोड़ देंगे 27,76, 27,76 माइनस 80, 72 और 4,80, 21,44,000, तो 2 NP 21,44,000, और यहाँ पे 18 लाख में से 44,000 चला जाएगा तो 17,60,000, तो 17,60,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, इतना ही था क्वेश्चन नंबर 4 में। अभी इसमें क्या निकालना है हमें, होलसेल प्राइस की प्रॉफिट निकालनी है, होलसेल प्राइस की प्रॉफिट निकालनी है, निकालो होल सेल प्राइस का प्रॉफिट, होल सेल प्राइस का प्रॉफिट निकालना है, तो स्टॉक का कितना होगा, हेड ऑफिस का जो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस 7 लाख है, 40, 2 लाख, ये वर्किंग नोट है एक तरह का, ठीक है, वर्किंग नोट बना दिया कि यहाँ पे समझ जाओगे। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक का है वो यहीं लिखना है, सीधा सीधा देख लो, यहीं पे ही है, ये है क्या 2,52,000 है, ये ब्रांच वाले का बना रहा हूँ, 40 से 140, ये आ गया 72,000, इसका आ गया 4,80,000, कैसे आया, 16,80,000 गिवन है, 40 अपॉन में 140, क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का है, बस हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर फाइनल अकाउंट का लास्ट, क्या है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ दूंगा और आप आराम से इसे कर लेंगे, कुछ नहीं, इसमें 2 अकाउंट बनाना है, एक स्टॉक अकाउंट बनाना है और दूसरा एक स्टॉक अकाउंट बनाना है और दूसरा हमें ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जिसके बारे में हमने थोड़ी अच्छे से पढ़ रखा है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, वाइट लिमिटेड विद देयर हेड ऑफिस एट कोलकाता इनवॉइस गुड्स टू देयर रांची ब्रांच एट 20% लेस देन लिस्ट प्राइस विच इज़ अ कॉस्ट प्लस 100% विद इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल आर मेड एट इनवॉइस प्राइस एंड क्रेडिट सेल एट लिस्ट प्राइस। जो कैश प्राइस होगा वो इनवॉइस पे होगा और जो क्रेडिट सेल होगा वो लिस्ट प्राइस पे होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 बारह 2018 में होगा। स्टॉक दे रखा है इनवॉइस प्राइस पे, स्टॉक दे रखा है इनवॉइस प्राइस पे 2400, डेटर 2000, कैश रिसीव 17,127, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस इनवॉइस पे है 26,400, गुड्स रिटर्न हुआ है, सेल है 9,000 कैश वाला और 200 रुपये गुड्स रिटर्न है और क्रेडिट है 20,000, एक्सपेंसेस है 3,473 रुपये, रेमिटेंस है, डेटर है और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और हमें बनाना है स्टॉक अकाउंट एंड स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। एक बार आप प्रैक्टिस करना, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा, फिर मैं आपको इसका करके
एक वीडियो बना के, मैं पर्टिकुलर इसी वीडियो बना के या फिर किसी और भी चैप्टर में डाउट आता है उसके साथ इसे मर्च करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल से हम डाटा सिस्टम, नेक्स्ट क्लास से हम डाटा सिस्टम पढ़ेंगे जो बहुत अच्छा है वो हम पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।